स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन्स, विच इज रेगुलेटेड बाय द नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल सिस्टम्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट डज इट मींस और कैसे ये रेगुलेट्स होता है एंड हाउ दे फॉर्म ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स फ्रॉम कॉलिसमिक एसिड से। ये चीज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ओपेरॉन का क्या मतलब होता है। ओपेरॉन एक ग्रुप ऑफ जीन्स होती है विच इज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स एज वेल एज रेगुलेटर जीन्स। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये ट्रिप्टोफैन है या ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है, ये मोस्टली ई कोलाई में पाया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे ई कोलाई का डीएनए दिखाया है यहाँ पे, जो कि स्ट्रक्चरल जीन से बना होता है और रेगुलेटर जीन से बना होता है। ये जो इस साइड है, ये सारी स्ट्रक्चरल जीन्स है, लाइक ट्रिप्टोफैन ई, ट्रिप्टोफैन डी, सी, बी, ए, और ये यहाँ पे ट्रिप्टोफैन रेगुलेटर जीन्स है। तो हमने देखना है कि ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन कैसे रेगुलेट होगा। तो रेगुलेशन के लिए दो कंडीशन होगी। पहली ये है कि इन द अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, अगर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड्स अब्सेंट होगा ई कोलाई के पास, फिर वो क्या करता है? देखो यहाँ पे, फिर क्या होता है, ये डीएनए जो रिप्रेसर है, इसका एक अपना प्रोमोटर होता है यहाँ जैसे, और ये एक ट्रांसक्राइब होके एपो रिप्रेसर बनाता है। और एपो रिप्रेसर एक इनएक्टिव फॉर्म है रिप्रेसर की, क्योंकि ये होती है डाइमेरिक फॉर्म, और रिप्रेसर की जो एक्टिव फॉर्म है वो होती है टेट्रामेरिक फॉर्म, इस तरह से जो चार सब यूनिट से बनी हो। तो यहाँ पे ऐसी नहीं है, ये ओनली डाइमेरिक फॉर्म है और ये इनएक्टिव फॉर्म है। तो ऐसे क्या होगा, फिर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर पे बाइंड हो जाएगी। प्रोमोटर एक डीएनए की सीक्वेंस है जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करती है और वो ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करती है। तो जब रिप्रेसर इनएक्टिव है तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड करेगी और आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन करेगी डिफरेंट स्ट्रक्चरल जीन्स की, और फिर ट्रांसक्रिप्शन करेगी और डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएगा। जैसे आपका ट्रिप्टोफैन ए है, ये बनाएगा ट्रिप्टोफैन सिंथेज अल्फा, मतलब कि एंजाइम्स, है ना। और जो ट्रिप्टोफैन बी है, ये बनाएगा ट्रिप्टोफैन सिंथेज बीटा, और ट्रिप्टोफैन सी बनाएगा टी आर ए आइसोमेरेज, है ना। और जो ट्रिप्टोफैन डी है, ये बनाएगा पी आर ए ट्रांसफरेज, और ट्रिप्टोफैन ई है, ये बनाएगा एन्फ्रानिडोल सिंथेज। और स्टूडेंट्स, पी आर ए का फुल फॉर्म है फॉस्फोराइबोसोल एन्फ्रानिडोल, है ना, आपने ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लो आप, फॉस्फोराइबोसोल एन्फ्रानिडोल आइसोमेरेज और ट्रांसफरेज। अब क्या होगा, जो ये सारे डिफरेंट एंजाइम्स है, ये क्या करती है, जो एक कॉर्समिक एसिड है उसको कन्वर्ट करती है ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड में। तो आपने ध्यान रखना है, जो ट्रिप्टोफैन का सबस्ट्रेट है वो है कॉर्समिक एसिड। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, ये चीज आपने याद रखनी है। सेकंड कंडीशन क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होगा फिर वो क्या करेगा कि इस ओपेरॉन को स्विच ऑफ कर देगा। कैसे करेगा, देखो ये जो रिप्रेसर है ये फिर ट्रांसक्राइब होके एपो रिप्रेसर बनाएगा, ये कैसा है, डाइमेरिक है, इनएक्टिव है। जैसे ही हमें पता है कि ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है, तो जैसे ही देखो ये ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है आपको इससे डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही ये बाइंड हो जाएगा एपो रिप्रेसर के साथ, तो ये जो है रिप्रेसर जो कैसा हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, को रिप्रेसर बनाएगा और ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही एक्टिव होगा तो ये ऑपरेटर पे बाइंड होता है। ऑपरेटर एक डीएनए की सीक्वेंस है जहां ट्रिप्टोफैन बाइंड होता है और वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं करने देता और ट्रांसक्रिप्शन को स्विच ऑफ करता है। देखो इस तरह से ये रिप्रेसर एक्टिव हो गया और यहाँ पे बाइंड हो गया, और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगी। अगर वो कर भी लेगी तो फिर आगे जो है वो अपस्ट्रीम रीजन पे जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगी स्ट्रक्चरल जीन्स को, क्योंकि यहाँ पे ये एक ब्रिज की तरह काम करेगा, ब्लॉक करेगा किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। इससे क्या होगा, ये डिफरेंट एंजाइम्स नहीं बनेगी और फर्दर ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये कैसा है, ये नेगेटिवली कंट्रोल्ड है, क्योंकि जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है वो खुद ही अपनी सिंथेसिस को रोक रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिवली कंट्रोल्ड रिप्रेसिबल सिस्टम्स। तो स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट वीडियो थी और शॉर्ट लेक्चर है। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एटीन्यूएशन पे, जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे लीडर सीक्वेंस, इसको एटीन्यूएटर भी बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपका इस वीडियो से कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और अगर आपको ये कंटेंट सही लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू अपडेट्स. थैंक यू.